हाँ, प्रगति कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलेंडर। तो सबसे पहले कैलेंडर, कैलेंडर में वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, तो दूसरा होता है अधिवर्ष, जिसे बोलते हैं लीप वर्ष। सामान्य वर्ष और अधिवर्ष, इनमें अंतर क्या है? सामान्य वर्ष में 363 दिन होते हैं और अधिवर्ष में होते हैं 366 दिन। जिस वर्ष में फरवरी का माह, जिस वर्ष में फरवरी का माह 28 दिन का होता है, वह सामान्य वर्ष होता है। और जिस वर्ष में फरवरी का माह 29 दिन का होता है, वह है अधिवर्ष। लीप वर्ष होता है। हाँ, जिस प्रकार से किसी वर्ष के अंतिम दो डिजिटल नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, वह सामान्य वर्ष। जिस प्रकार से वर्ष के दो अंक 4 से विभाजित होते हैं, वह लीप वर्ष कहलाता है। और जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है, वह सामान्य वर्ष कहलाता है। कहलाता है। जैसे 2016, पीछे के दो डिजिटल नंबर लिए 16, 16 में अपन ने 4 का भाग दिया, पूरा पूरा गया, तो एक ऐसा वर्ष है लीप वर्ष। 2017, 4 का भाग दिया, एक शेष रह रहा है, तो एक ऐसा वर्ष है सामान्य वर्ष। इस प्रकार से अपन वर्षों में अंतर निकालते हैं। इसके बाद में अपना अगला अब होता है अपना शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में लीप शताब्दी कैसी होती है और कौन सी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा अपन जानकारी कर लेते हैं। जैसे कोई वर्ष है 1900, ये लीप शताब्दी है नहीं है। अब इसमें अपन
जो पहले अपन ने फॉर्मूला अपनाया था चार वाला वो नहीं अपनाएंगे, उसकी जगह 400 का अपनाएंगे। कितने का? 400 का। जिस वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो होती है अपनी द्वीप शताब्दी, और जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो द्वीप शताब्दी नहीं होती है, जबकि कैसी होती है? सामान्य शताब्दी। जैसे 2000 में अपन 4 का भाग देते हैं तो ये अपनी कैसी है? लीप शताब्दी। उन्नीस सौ ये कैसी है? सामान्य शताब्दी। इसी प्रकार से एक सवाल है, किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है तो अपना अगला जन्म दिवस कब मनाएगा? किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को है तो अपना अगला जन्म दिवस कब मनाएगा? तो ये क्लियर है, पहले अपन दो रिटर्न नंबर देखते हैं कितना है 96, तो कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, तो अगला लीप वर्ष कब आएगा? 1900 में। अब 1900 लीप वर्ष है या लीप शताब्दी है या सामान्य शताब्दी, इसके बारे में जानकारी करने के लिए अपन ने पहले बताया था लीप शताब्दी जानने के लिए अपन उसमें 400 का भाग देते हैं, और जो 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो वो होती है अपनी लीप शताब्दी। अपन ने 1900 में 400 का भाग दिया तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो अपनी लीप शताब्दी नहीं है, इसलिए वह अपना जन्म दिवस 1900 में न मना करके कब मनाएगा? 1904 में। 29 फरवरी 1904 में उसके लिए 4 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के वो 1904 में जाकर के अपना जन्म दिवस मनाएगा। हाँ, अब होता है दिनों की संख्या, एक होते हैं सम दिवस, एक विषम दिवस। सप्ताह क्या होता है? सप्ताह होता है 7 दिनों का, 7 दिनों को क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। जिस प्रकार से रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इस प्रकार से 7 दिनों का एक ही सप्ताह होता है। अब मान लीजिएगा अपन के पास में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसमें कितने विषम दिन हैं? इसमें कितने विषम दिन हैं? इसकी जानकारी देने के लिए अपन क्या करते हैं? 365 में 7 का भाग देते हैं। कितने का? 7 का भाग। 7 5 35, 1 5 7 दूनी
14, कितना बचा एक, तो 365 एक वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक विषम दिन होता है। इसी प्रकार से लीप वर्ष, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। 366 अपन ने 7 का भाग दिया, इसमें एक शेष बचा है, इसमें कितना बचेगा, दो शेष रहेगा, तो दो अपने क्या है विषम दिन, इसमें दो विषम दिन है। इसी प्रकार से मान लीजिएगा इसी प्रकार से सामान्य वर्ष, जैसे 1 जनवरी, 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2018 को क्या वार होगा, एक जनवरी 2018 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2018 को क्या वार होगा। इसमें आपको सीधी सीधी ये लॉजिक लगानी है, पहले अपन को वर्ष देखनी है 2018 किस प्रकार की वर्ष है, लीप वर्ष है या शताब्दी वर्ष है। तो 2018 पहले दो डिजिटल नंबर लिए, 4 से विभाजित करके देखा, पूरा पूरा भाग जाता है तो लीप वर्ष हो जाती है, और पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो कैसे हो जाती है शताब्दी। 4 का भाग दिया पूरा नहीं गया तो अपनी ये कैसी वर्ष है, सामान्य वर्ष है, ऐसी सामान्य वर्ष। अब सामान्य वर्ष में क्या करते हैं, इसमें सीधा सीधा लॉजिक यह है कि 1 तारीख को जो वार है वही 31 दिसंबर को होगा, तो अपन कन्फर्म कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2018 को भी सोमवार होगा, ये सामान्य वर्ष का लॉजिक है। इसी प्रकार से लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष में क्या होता है, जैसे सामान्य वर्ष में होते हैं 365 दिन, और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, तो एक दिन आगे बढ़ जाता है, उससे अगला बार हो जाता है। जैसे अपन कहें 1 जनवरी 2016 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा, तो सीधा सीधा अभी अपन ने बताया था कि 1 जनवरी को क्या वार है, बुधवार, तो उससे अगला बार हो जाएगा, अगला बार क्या आता है बुद्ध के बाद में, गुरुवार, तो अपन कंफर्म कह सकते हैं 31 दिसंबर को क्या होगा, गुरुवार होगा। इस प्रकार से अपन इनको निकालते हैं। अगला टॉपिक, हाँ अगला टॉपिक है अपना एग्जामिनर आपके लिए तारीख, महा और वर्ष दे, और आपसे बार पूछे तो आप क्या करोगे, यदि एक जाना आपसे तारीख महा वर्ष ये तीनों चीज उसने दे रखी है, उसके बाद पूछे कि उस तारीख को कौन सा बार होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है,
इसके लिए सीधा सा लॉजिक है आपके लिए, ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपके लिए एक छोटा सा सूत्र दे रहा हूं, वो आपको कोड के आधार पर होगा, उसमें आपके 12 माह के 12 कोड होंगे और 12 कोडों को आपको बिल्कुल आसानी से याद करना है और हो भी जाएंगे, ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है उनमें। जिस प्रकार से 12 का वर्ग पहला, अगला 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2, यह है। अब इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 12 का वर्ग 144, 5 का 025, 6 का 036 और 12 का वर्ग 144 प्लस 2 है, क्यों दो बार आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 146। ये आपके 12 माह का कोड हो जाता है, ये आपका सामान्य वर्ष का कोड है। इसमें एक ये आपका जनवरी, दो फरवरी, तीन मार्च, चार अप्रैल, पांच मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये है आपका दिसंबर। ये आपके 12 माह के 12 कोड हो जाते हैं। अब आप कहेंगे चलो सामान्य वर्ष का तो ये है, पर लीप वर्ष का क्या है? तो लीप वर्ष का भी आपको इसमें कोई फेरबदल नहीं करना है, खाली इन दो माह के कोडों में आपको चेंज करना है बस। जिस प्रकार से जनवरी फरवरी इन दो माह के कोडों में आपको एक एक घटा देना है, एक में से एक घटाया 0, फरवरी का कोड है 4, 4 में से एक घटाया 3, यह है। बाकी का वही के वही रहेगा, जैसा है सेम वैसा के वैसा रहेगा। मैं पुनः इसको आपको दोबारा से दोहरा दूं, 144, 025, 036, 146, ये आपके 12 माह के 12 कोड हैं। लीप वर्ष में आपके लिए थोड़ा सा फेरबदल जनवरी और फरवरी में करना है, जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा, बाकी का आपका वो का वही रहेगा जो है। अब अपन चलते हैं कैसे निकालना है, कैसे करना है सवाल की तरफ। हाँ, तो जिस प्रकार से 15 अगस्त 1947 को कौन सा बार होगा, तो अपन ने बताया था सबसे पहले क्या करना है, तारीख कितनी है 15, उसके बाद माह कौन सा है अगस्त। तो देखो अगस्त का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 3 है, कितना है 3, तो 3 को जोड़ दिया। उसके बाद में वर्ष, वर्ष के पीछे के 2 डिजिटल नंबर कितने 1947 है, पीछे 2 डिजिटल नंबर लिए कितना हुआ 47। अब अपन को 47 से देखना लीप वर्ष कितनी है, तो लीप वर्ष निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले मैंने बताया था 4 का भाग देकर के देखते हैं, 4 से विभाजित, तो 4 एकम 4, 7 4 एकम 4, 3 कितने आए 11। अब आप कहेंगे कि 3 शेष रह गए, अपन को जो शेष रह जाता है उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, चाहे कितना भी शेष रहे उससे अपन की कोई परेशानी नहीं है, अपन को तो जहां पर पूर्ण विभाजित होती है वही संख्या लेनी है, बाकी की शेष नहीं लेना है। उसके बाद में इसमें 7 से भाग दे देते हैं, क्यों 7 से क्यों देते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए इसको 7 से डिवाइड किया। पहले इनको जोड़ो, 1 8 8 और 3 11 11 और 5 16, 6 1 2 6 7, कितनी बार गया 76, 76 को 7 से विभाजित किया, 76 में 7 का दे दो 7 0 6, कितनी बार गया 10 बार। अब यहां पर अपना जो शेष बचता है कितना बच रहा है 6 को अपना कौन सा बार है। अब इसके लिए भी मैं आपको एक थोड़ा सा कोड दे दूं, जिस प्रकार से रविवार, रविवार का अपना होगा 1,
सोमवार दो, मंगलवार तीन, बुधवार चार, गुरुवार पांच, शुक्रवार छह, शनिवार जी। अब अपना इनमें से जो शेष बचता है और जो कोड जिसके सामने है उस दिन वही बार होगा। क्या शेष बचा था अपना? छह। छह किस बार के सामने है? शुक्रवार। तो उस दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। इस प्रकार से अपन सवालों को हल करते हैं। अगला इसी प्रकार से है सेम, पहले तारीख, उसके बाद में माह का कोण, मार्च है। अपन ने ये देख लिया था कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष, तो सामान्य वर्ष का ही कोण लेंगे। मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च का कोण चार। उसके बाद में दो डिजिटल नंबर जीरो पांच, चार से कितनी बार विभाजित हुआ? एक बार। डिवाइड सात से जोड़ लो, पांच और एक छह, चार दस, दस और बीस छब्बीस, पांच और एक छह, चार दस, दस और बीस तीस, सॉरी तीस होते हैं। तीस को सात से दिया, सात चार अट्ठाईस, कितने बचे? दो। दो का कौन सा है? सोमवार। तो उस दिन क्या होगा? सोमवार होगा। सोमवार। हाँ, अगला है अपना 21 दिसंबर 1911। तो वही है, पहले तारीख प्लस माह प्लस दो वर्ष के दो अंतिम अंक। प्लस लीप वर्ष डिवाइड बाई सात, तारीख 21, माह दिसंबर, ये देख लिया कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष के कैलेंडर में देखेंगे दिसंबर माह का कोड क्या है? छह। उसके बाद में वर्ष के दो डिजिटल नंबर 11 प्लस 11 में कितने लीप वर्ष हैं? चार दुनी आठ, दो, 11 में चार का वर्ग देके देखा अपन ने, चार दुनी आठ, दो बार गया तो दो लिख दिया। उसके बाद में सात से डिवाइड, दो तीन, तीन और छह नौ, एक दस, दस की शून्य, एक एक, तीन और एक चार, कितना हो गया? चालीस। चालीस को सात से, सात पांच पैंतीस, कितना बचा? पांच शेष बचा है। अब पांच किसका है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो क्या हुआ? सॉरी, गुरुवार। ये अपना 21 दिसंबर 1911 को हो जाता है। इस प्रकार से अपन इनको निकालते हैं। अब आप कहेंगे कि 1900 का तो इस प्रकार से हो गया, 2000 का है, 1600 का है, 1800 का है, इनके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल, इससे भी सीधा है, उसके बारे में कल आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। अच्छी लगे ये वीडियो आपके लिए तो शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों को बताएं कि प्रगति कोचिंग क्लासेस आपकी सेवा में हाजिर है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जामों की या कंपटीशन की, जो भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये प्रगति कोचिंग क्लासेस हर दिन प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो प्रतिदिन प्रोवाइड कराएगी और बहुत ही अच्छे कंसेप्टों के द्वारा आपको इसको सिखाया जाएगा। थैंक यू।